साठ यूपी बीएनएनसीसी फतेहपुर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ओपी शर्मा के निर्देशानुसार स्वच्छता पखवाड़ा दिनांक 1 दिसंबर 2019 से 15 दिसंबर 2019 तक चलाया जा रहा है, जिसके तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू बांदा की एनसीसी इकाई में प्लास्टिक से रक्षा देश की सुरक्षा के तहत रैली निकाली गई, जो प्लास्टिक से बचाव हेतु जनमानस को जागरूक करने के लिए लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रत्युष मिश्रा के कुशल निर्देशन में यह महारैली महाविद्यालय से प्रारंभ होते हुए बस स्टॉप कचहरी अशोक लॉट चौराहे से होते हुए पुनः महाविद्यालय में संपन्न हुई। कैंडिडेट्स के हाथों में स्लोगन वाली तालियां भी थी। कैंडिडेट्स द्वारा रैली मार्ग में पड़ी प्लास्टिक की थैलियां एवं सूखा कचरा उठाकर कूड़ेदान में एकत्रित किया गया। लेखक प्रत्युष मिश्रा ने प्लास्टिक से होने वाले खतरे के प्रति आगाह किया तथा बताया कि यह हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही बताया कि आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर भारतीय सेना की तीनों विंग तथा एनसीसी की तीनों विंगों ने संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम आज के दिन निर्धारित किया। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में प्रकाश डाला गया। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। एक मिनट यार, सही नहीं आ रहा। देखो देखो, काला काला चेहरा आ रहा। सर, आज जो यहाँ पर रैली होने जा रही है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अपनी 60 यूपी बटालियन के कर्नल ओपी पांडे ओपी शर्मा जी का एक स्वच्छता ही सेवा अपनी कैंपेन है, जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कंटिन्यू रहेगी। इसके अंतर्गत मेन इसकी थीम है कि हमें प्लास्टिक से सुरक्षित रहना है, इस प्लास्टिक से बचाव करना है। इस संदर्भ में 6/60 UPNCC कंपनी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेहरू PG कॉलेज बांदा के कैडेट एक रैली आज निकाल रहे हैं, जिसका सिर्फ उद्देश्य है कि जन जागरूकता के अंतर्गत ये रैली है। और जो मुख्यतः इस अपने कॉलेज से होते हुए जजी कचहरी कंपाउंड बस स्टैंड से होते हुए अशोक लाट चौराहा से पुनः अपने कॉलेज में आके समाप्त होगी। और मुख्यतः इसे लोगों को प्लास्टिक से बचाव के लिए संदर्भित करना है कि वो उससे बचे, उसका प्रयोग कम से कम करें, जिससे अपने जीवन को भी सकुशल चला सके और आगे वाली आने वाली जो पीढ़ी है उससे भी हम संरक्षित कर सके, रक्षित कर सके इसके दुष्प्रभाव से। क्या नाम है सर आप? लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रत्युष मिश्रा।